जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे रिक्रूटमेंट से साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद के अप्रेंटिसशिप के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आरआरसी एसटीआर की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 4103 पोस्ट अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसका फॉर्म 29 जनवरी 2023 तक भरा जाएगा। दोस्तों, हालांकि एसटीआर अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरने का ऑल ओवर इंडिया को मौका नहीं दिया गया है। भारत के 5 ही राज्य हैं जिन्हें फॉर्म भरने को मौका दिया है दोस्तों, वो भी पूरे राज्यों को नहीं मौका मिला है। उनमें से काफी सारे जिले हैं जिनको फॉर्म भरने का छूट नहीं दिया गया है। इसको लेकर काफी बच्चे परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ। इसको लेकर भी हम आरटीआई करने वाले हैं, आप भी आरटीआई जरूर करिएगा। और हम आपको एक ट्वीट करके भी लिंक आपको टेलीग्राम पे देंगे, जिससे आप भी रीट्वीट भी कर दीजिएगा, जिससे अगर हो सके तो एससीआर सभी के लिए लिंक ओपन कर दें। हालांकि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, पिछले साल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को मौका दिया गया था, इसी साल नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया, जिसको लेकर के बड़ी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर कट ऑफ भी है तो थोड़ा लो जाता है, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट्स, रिजल्ट्स की जानकारी आपको चैनल माध्यम से देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल रेलवे के 4 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी आए हुए हैं, जिसको आप जाके चेकआउट कर लीजिए। सिकंदराबाद का है, कोलकाता का है, साथ ही सेंट्रल रेलवे मुंबई का है और एक जयपुर का है, देख लीजिए जा करके। अभी कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ कितना गया था पिछली बार, इस बार क्या संभावना रहने वाली है। एसी मैकेनिक का कट ऑफ देखिए, तो यहाँ देखिए ऑफिसियल कट ऑफ में तो जनरल का 72.9 था, ईडब्ल्यूएस का 73.6 गया था, ओबीसी का 70.4 था, एससी एसटी का देखा तो एससी में 67.7 और एसटी का देखा तो 62.3% गया था। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते तो 83% जनरल में, 73% ईडब्ल्यूएस में और 81 गया था ओबीसी, और एससी एसटी का 80 और 81 गया था दोस्तों। वहीं फीटर की बात कर तो 77 यूआर का गया था, 56 तक गया था दोस्तों ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी की बात करें तो 74 72 एससी एसटी में 74 तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एससी एसटी का देखे तो 77 एससी एसटी में, 74 78 ओबीसी में, 84 ईडब्ल्यूएस का, 80 जो है यूआर का कट ऑफ गया था दोस्तों। वहीं वेल्डर का देखे तो 71% पे एससी का गया था, और एसटी का देखे तो 69% और ओबीसी 71 और 63 जो है ईडब्ल्यूएस का गया था, और यूआर का 73 आपको कट ऑफ देखने को मिला दोस्तों। वहीं पर कारपेंटर का कट ऑफ देखे तो 81.6 देखने को मिलेगा दोस्तों। डीजल मैकेनिक का देखे तो 81 यूआर में, 61 ईडब्ल्यूएस में, देखिए तो यहीं पर कितना अंतर है, 20% का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से लेकर के जनरल में आपको अंतर देने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अब अपना एवरेज देख लिया जाए कि कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, तो इस बार कट ऑफ इससे भी लो देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया को मौका नहीं मिला है, और ऑल ओवर इंडिया मौका मिलता दोस्तों तो ये कट ऑफ और भी हाई चला था दोस्तों। कोई भी कट ऑफ 85 के नीचे देखने को नहीं मिलता दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। फिलहाल देखिए तो कट ऑफ जो है इतना ही रहने वाला है या इससे ही कम देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। क्या होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है जिनका, वो किसी कारण से नहीं जा पाते, या तो उनका कहीं ज्वाइनिंग हो जाता है या उनको मौका यहाँ पे नहीं मिलता है, मतलब यहाँ नहीं जा पाते हैं। तो क्या था, सेकंड मेरिट लिस्ट कई सारे पर नहीं जारी हो पाता, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिससे कि आपका कट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट से कम हो जाता है। ठीक है, तो एक अच्छी खबर है, लेकिन एक दिक्कत दीवार की बात है, ये है कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट को मौका नहीं मिल रहा है, जो कि सभी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन रेलवे है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए तो आईसीएफ चेन्नई का भी यही हुआ था, साउथर्न रेलवे का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो कई ऐसे राज्य मिलेंगे जहां पर अप्रेंटिसशिप बहुत ही कम आती है, आती भी है तो बहुत कम आती है, या तो कई सालों के बाद आती ही नहीं है, तो उन्हें बहुत ही दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अलग अलग जोन का सभी जोन अपना ऐसा से करने लगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो सभी को समझना चाहिए और इसको देखते हैं, जैसे कोई अपडेट हो सकता है, कुछ हमसे हो सकता है तो करने की कोशिश करें पूरी। तो चैनल पे बने रहिए, देखते रहे अनिल सर यूट्यूब चैनल, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए दोस्तों। टेलीग्राम पे हर एक लिंक आपको देंगे दोस्तों, तो आप जरूर उस पे जा करके क्लिक करके देखिएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।